हाशिम बाबू की तरफ से, काजिम बाबू की तरफ से इस फरमाइश की तकमील होगी। जिन हजरात ने वादा किया था, अपने वादा पर उनकी नजर है कि नहीं है? लोग जरूरत के तहत उठे हैं, दो चार आदमी उठे हैं, फिर वो आएंगे। आएंगे क्या? जरूर आएंगे, क्योंकि वादे का लिहाज करेंगे। निगाहे चश्म हुई है कबूल देख लिया, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया। अब इससे बढ़ के मेरी खुश नसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। गुलशने फातिमा के गुले सरसब्ज आए हैं, शहजादे मौलाई कायनात आए हैं। निस्बत का जो एहतराम करें वो काबिले एहतराम होते हैं। हमारा रहनुमा कायद यहीं कहीं पर है, जरूर जात का सैयद यहीं कहीं पर है। रजा ने सूंघ कर फरमाया पालकी रोको के कोई आले मोहम्मद यहीं कहीं पर है, के कोई आले मोहम्मद यहीं कहीं पर है। मुझे अफसोस होता है कि इस तरह का शेर पढ़ने के बाद लोग उठने का इरादा रखते हैं, उन्हें तो सुबह तक उठने का इरादा करना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि आले रसूल आए हैं, निस्बत को देखिए, किस खानदान से, किस बात के फूल हैं, इसका तो एहतराम करना चाहिए हमें। ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। शेख तरीकत, शहंशाह खिताबत, गाजी असर, मुजाहिद दौरा, शेर अशरफियत, अल्लामा सैयद मुजाहिद अशरफ साहब कबला अशरफी जीलानी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक शेर हजरत की बारगाह में नजर करता हूँ कि बादल नबी के फैज के बरसे कहाँ कहाँ, जहरा के फूल देखिए महके कहाँ कहाँ, दीने खुदा की निश्रो इशाद के वास्ते उतरे मेरे रसूल के बेटे कहाँ कहाँ, उतरे मेरे रसूल के बेटे कहाँ कहाँ। मुझे खुशी है कि हबीबुल्ला फैजी साहब ने कलाम पढ़ा है। इस बात की और ज्यादा खुशी है कि शेर अशरफियत आया। उसके अलावा आपके लिए खुशी की बात होगी कि खिताबत की दुनिया का एक बेताज बादशाह, जिसे शेर बनारस भी कहते हैं, अल्लामा सगीर रजा बनारसी, जब वो बोलते हैं जबान ऐसे चलती है जैसे तलवार चल रही है। यकीन नहीं आता तो उन्हें सुन तो आप देख लीजिए। मैं इस वक्त ये फैसला कर नहीं पा रहा हूं क्या इस वक्त क्या करूं, मुझे हजरत बरकाती साहब को पेश करना जरूरी है। कहीं कहीं मैं इस बात का लिहाज नहीं करता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन चूंकि ये गोरियारा शरीफ है, तेरे अली सरकार की जय पैदाइश है, और इस प्रोग्राम को मैं अपना प्रोग्राम भी सबूत करता हूँ। आपने वादा किया था, कुछ लोग उठकर चले गए, जरूरत के तहत गए होंगे। मैं हजरत बरकाती साहब को चंद मिनटों की खातिर, अच्छा पता नहीं क्या है, इंग्लिश में है ये, मेरे हाल में दे दूंगा। हमसे ज्यादा हबीबुल्ला साहब इंग्लिश पढ़े हैं, है कि नहीं? तो वो पढ़ लेंगे। फरमाइश बहुत सी है, मेरे भाई ने फरमाइश की है, हम चाहेंगे कि कम अज कम एक कलाम, जिन्हें हबीबुल्ला फैजी ने भी बड़ा भाई कहा है, हजरत बरकाती साहब को पेश कर दिया जाए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? इंसाफ का खून नहीं करना चाहिए। हमारी जमात पर हमारे प्यार का मोतबर शायर हजरत असरत बरकाती तशरीफ ला रहे हैं। एक कलाम के बाद हुजूर सैयद साहब तुगलक हम पेश कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसका